यहाँ पे 2016 में प्रोटेस्ट चल रहा था और इवनिंग में चल रहा था, और मैं खिड़की पे थी, तो उसके बाद में मैंने खिड़की खोली, उसके बाद में से पैलेट्स आ गए, स्ट्रे ऑफ पैलेट्स। से पहले मैंने रोया और उसके बाद मैं बहुत खुश हो गई कि मेरे माँ बाप ने बोला कि आप क्यों रो रहे हो, जो साइटेड पर्सन है उनको तो इतनी माकस नहीं है जितने आपको है, आप क्यों रोए। मुझे लगा जो जैसे मैंने पेपर्स किया उस हिसाब से मुझे बहुत कम माकस है। बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं, मैंने उनका फेस किया चैलेंज को, लेकिन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कि आगे चलकर मुझे यही इरादा है कि मैं बैचलर्स करूँ प्लस आईएएस कोचिंग इंशाल्लाह। मैसेज है स्पेशली मैसेज क्यों, वो हिम्मत नहीं हारे, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए उनको फेस करे और इंडिपेंडेंट बने। कल शाम को तो हम तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि जो इंशा थी, जो इसको 2016 में पैलेट आया, इसकी आंखों की रोशनी चली गई। उससे बाद इसकी पहली ख्वाहिश थी कि मैं तालीम हासिल करने की पढ़ाई की कोशिश था, बहुत इसको तालीम करने की कोशिश बहुत था। अलबत्ता जब इसको पैलेट आया सर 2016 में, उससे बाद भी हमने इसको कोशिश की कि जनाबी पढ़ाने की। उससे बाद आज तक मैट्रिक पास भी किया और DDC पास भी किया। कल हम बहुत खुश हो गए और हमारे गांव सब रिश्तेदार माई बहन तमाम सब खुश हो गए जी। तो इंशा को आप क्या बनाना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको हम आईएएस अफसर बनाना चाहते हैं इंशाल्लाह। तो किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? बहुत मुश्किल का सामना पड़ा, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। इसके बावजूद भी हमने इसको कोशिश की कि इसने कहा नहीं जी मुझे पढ़ना, हमने इसको कोशिश की, बहुत इंशाल्लाह आगे भी चलाएंगे।